नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इस देश में धर्म की राजनीति ने बेराग गर्क कर दिया है। स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, डेमोक्रेसी खतरे में है, लेकिन धर्म बचाने की लड़ाई चल रही है। एक कह रहा है पाकिस्तान जाना होगा, भारत में रहना है तो हिंदू हिंदू कहना होगा। एक कह रहा है सर तन से जुदा कर देंगे। मतलब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक सर से तन से, ये सुप्रीम कोर्ट की बहस है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने जज साहब को ये वीडियो दिखाया कि देखिए ये तो कह रहे हैं कि सर तन से जुदा। दूसरा कह रहा है भारत में रहना होगा तो हिंदू हिंदू कहना होगा। सॉलिसिटर जनरल ने दिखाया, फिर जोसेफ साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि सरकार नपुंसक हो गई है, जो इस तरह की चीजों पर कंट्रोल नहीं कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के बयान हैं तमाम राज्य सरकारों के लिए, तमाम व्यवस्था के लिए। तो सोचिए, यहां तक कि उनका वो बयान था कि किस तरह से सरकारें कंट्रोल नहीं कर रही है जहां जिसकी सरकार है। लेकिन सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जो दिन रात आपको धर्म की घुट्टी पिला रहे हैं। वो पढ़ाई लिखाई, दवाई, एजुकेशन, इस देश की सेना, विज्ञान, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बात नहीं करते हैं। सरतन से जुदा और हिंदू हिंदू कहना होगा। मैं एक बात बता रहा हूं, ये जो लोग हैं ना, जो धर्म के नाम पर आपको बरगला रहे हैं, ये लिख लीजिए कि ये आपके आने वाली नस्लों के दुश्मन हैं। इनको ना स्कूल से मतलब है, ना अस्पताल से मतलब है, ना विज्ञान से मतलब है, ना पढ़ाई लिखाई से मतलब है। ये धर्म भी नहीं है इनका। धर्म होता तो गुरु नानक साहब, कबीर साहब, पैगंबर साहब, इन लोगों ने, बुद्ध ने कभी भी हिंसा की बात नहीं कही है। इसका मतलब है जो धर्म के ठेकेदार हैं वो आपको बलि का बकरा बना रहे हैं। और मैं जानता हूं कि इस देश में धर्म के नाम पर जो मारे जाते हैं वो एससी एसटी ओबीसी, मतलब गरीब मजदूर लोग हैं, चाहे वो धर्म कोई भी हो, उसमें जो मरने वाला है वो शोषित वंचित गरीब समाज का है, जिसको संविधान ने एससी एसटी ओबीसी कहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पर जो लाभार्थी है, उसके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, वो जमीनों का मालिक है, वो तमाम बड़े बड़े ट्रस्टों का मालिक है, वो बड़े बड़े बिजनेस कर रहा है और वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। इस देश के 90% लोगों की हालत ये है कि उनके पास उनके बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन नहीं है, उनके लिए अच्छा अस्पताल नहीं है। ये देश इसीलिए पिछड़ रहा है क्योंकि यहां विज्ञान नहीं है। बगल में चाइना डेवलप हो गया, जापान कहां से कहां चला गया, अमरीका चला गया। और इस तरह के कर्मकांड ने, धर्म की राजनीति ने, मैं फिर कह रहा हूं, धर्म आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन धर्म के नाम पर हिंसा की इजाजत नहीं है आपको, चाहे वो कोई भी हो। और किसी भी धर्म गुरु ने हिंसा की बात नहीं कही है। जिन लोगों ने जिस धर्म की स्थापना की है उनसे, उनकी बातों को पढ़िए, चाहे वो पैगंबर साहब हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह साहब हो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर भगवान महावीर हो, किसी ने हिंसा की बात नहीं कही है। आप सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, इस धर्म की राजनीति, धर्म आपका निजी मसला है, ये संविधान आपको अधिकार देता है, आप किसी भी धर्म के किसी भी मजहब को मान सकते हैं, लेकिन आप उसे किसी पर थोप नहीं सकते हैं, उसके लिए किसी के साथ हिंसा नहीं कर सकते हैं, किसी को जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस देश में ये हो रहा है। आप कर्मकांड के खिलाफ नहीं बोल सकते। इस देश का विज्ञान, संविधान, ये देश आज पीछे है क्योंकि हम धार्मिक नारों के नाम पर लड़ रहे हैं एक दूसरे से। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, आज बयान है, सुनवाई चल रही है उसमें, और तमाम तरह के तर्क रखे जा रहे हैं किस तरह से धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, धर्म, आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, बीच के जो बिचौलिए हैं उनको वायकॉट कीजिए
और सीधे सीधे जिन लोगों ने जिस धर्म की स्थापना की है उनके विचार पढ़िए, गुरु गोविंद सिंह साहब के विचार पढ़िए, अद्भुत है। गुरु नानक साहब के विचार पढ़िए, संत रविदास जी के विचार पढ़िए, आप कबीर साहब के विचार पढ़िए, आप पैगंबर के विचार पढ़िए, आप जीसस क्राइस्ट के विचार पढ़िए। ये तमाम जो जो भी धर्म आपको हिंसा करने के लिए कह रहा है, जो भी धर्म कह रहा है कि आप श्रेष्ठ हैं दूसरा खराब है, जो भी धर्म कह रहा है कि आप अपने ही आप ताकत से दूसरे को आप अपने धर्म में लाइए, वो धर्म तो नहीं है। मुझे लगता है धर्म का मतलब है परोपकार, एक दूसरे की मदद करना, और वो आज दुनिया भर में सोचिए किस तरह से क्रिश्चियनिटी में कितना ब्रुचुअलिटी थी, कितनी हिंसा थी। ब्रूनो को, गैलीलियो को तबाह किया गया, अरस्तु को जहर दिया गया। आज पूरा यूरोप विज्ञान की तरफ है, चीन विज्ञान की तरफ है, पूरी दुनिया में सोचिए किस तरह से लोग विज्ञान को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं और साथ साथ में वो पर्यावरण को बचा रहे हैं। मुझे लगता है आज के समय में विज्ञान और पर्यावरण के बीच एक तालमेल बनाना होगा, और भारत के कम से कम SC ST OBC के लोगों को, जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई की जरूरत है। आप लोग बताइए कि क्या जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों, क्या वो धार्मिक हैं? क्या वो अपने धर्म की स्थापना करने वाले महान लोगों के कदमों पर चल रहे हैं, या ये उनका व्यापार है, बिजनेस है, राजनीति है? सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस चल रही है सर्तन से जुदा पर और हिंदू हिंदू कहना होगा पर। मुझे लगता है कि इस देश में संविधान और उसमें आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें धर्म भी शामिल है, धर्म फंडामेंटल राइट्स है आपका। लेकिन यह भी है कि आप अपना अपनी विचारधारा अपनी बात दूसरे पर नहीं थोप सकते। आज क्या हो रहा है, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम आपकी बातों से सहमत नहीं है तो आप हमें मार देंगे, हम देशद्रोही हो गए। यह बहुत ही गलत परंपरा है, और अगर यह परंपरा होगी तो हम कबीलों में बढ़ जाएंगे, जिसकी लाठी उसकी सत्ता हो जाएगी, जो ज्यादा संख्या में होगा वो अपनी चीजें थोप देगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में प्रावधान किया है कि कोई किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जो चाहे जिस धर्म को माने वो उसका निजी मसला है। सरकार का, सत्ता का, व्यवस्था का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, और संविधान ने किसी के आधार साथ भी जाति के नाम पर भी भेदभाव करने की छूट नहीं दी है। तो धर्म आपका निजी, आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप उन धर्म के स्थापना करने वाले महापुरुषों को पढ़िए, आप गुरु नानक साहब को पढ़िए, कबीर साहब को पढ़िए, रैदास जी को पढ़िए, तब आपको धर्म का मर्म समझ में आएगा। जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की है, आप बुद्धिज्म को पढ़ के देखिए, आप पैगंबर साहब के विचारों को पढ़िए, जीसस क्राइस्ट के पूरा जीवन देखिए, उन्होंने किस तरह से सूली चढ़े वो। तो धर्म का मतलब है त्याग, दूसरे के लिए खड़ा होना, और 21वीं सदी में अगर आप एक बेहतर मुल्क, एक बेहतर सोसाइटी चाहते हैं तो आपको विज्ञान और पर्यावरण, इन्वायरमेंट, प्रकृति के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।